हेलो दोस्तों। और अभी 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 दबंग 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, लॉन्च हुआ है ट्रेलर। तो आज मेरे इस वीडियो में मैं उस ट्रेलर का रिएक्शन देने वाला हूँ और उसके बाद उसका रिव्यू भी देने वाला हूँ। अभी अभी ड्रॉप हुआ है माचो वेरियर मूवी दबंग 3 का ट्रेलर। हम सब उस ट्रेलर के लिए रुके हुए थे। आज अभी अभी रिलीज हुआ है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना किए, चलिए देखते हैं ट्रेलर, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दबंग 3 सलमान खान का मच वेटेड मूवी इस साल का, चलिए देखते हैं। वाह, चुलबुल इज बैक। एक होता है पुलिस वाला, एक होता है चुलबुल पांडे गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। गुंडा। सर, हमारे प्रमोशन का क्या होगा सर? आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल मंडरा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, हर किसी नहीं सर, सपनों में भी नहीं सर। मस्त मस्त मस्त। I love you too। और साथ लाए हम हमारी सुपर सेक्सी मिसेस को रज्जो। म्यूजिक अच्छा है। अब दबंगई पर चलते हैं। लेकिन कोई दबंग पैदा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। साई मंजरेकर। टू गुड मैन, टू गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छाई की होती है, गलत सुना है आपने। डायलॉग व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। नाराजगी इस बात की नहीं हमें कि तुम हमारे घर में घुसे, नाराजगी तो इस बात की कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे। अमेजिंग अमेजिंग, ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। चुलबुल पांडे इज स्वागत तो करो हमारा। वाओ, क्या बोलूं, वाओ, जस्ट वाओ। ब्लॉकबास्टर ट्रेलर है ये मूवी। मैं आज यहां बैठ के ट्रेलर देख के मैं ये बोल सकता हूं विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल फेथ, ये मूवी 500 करोड़ क्रॉस करेगा इंडिया में। इंडिया में अलोन 500 करोड़ क्रॉस करेगा। चुलबुल पांडे इज बैक। लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, सभी लोग इतने एक्साइटेड है। इतने दिन से वो लोग वेट कर रहे थे इस मूवी का, आज ट्रेलर फाइनली आया है। ट्रेलर देख के लोग, मुझे लगता है मैं तो पागल हो गया देख के। इतना अच्छा ट्रेलर, इतना मतलब सिग्नेचर स्टेप सब कुछ था जो हम लोग जो चुलबुल पांडे को देखते आए हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर अभी नंबर थ्री में भी सेम टू सेम। और ये एक्शंस, ये कॉमेडी सब कुछ टू द पॉइंट लगा मुझे। और मुझे लगता है ये मूवी 500 करोड़ क्रॉस करेगा। और इस मूवी में एक और प्लस और एक एडवांटेज इस मूवी का कि इस मूवी में हमें चुलबुल पांडे बनने की कहानी भी दिखाई जाएगी। हमें देखा है, इंट्रोड्यूस किया है एक नए चेहरे को, सायरा मंजरेकर। तो उसके ज़रिए हमको पता चलेगा कि चुलबुल पांडे कैसे चुलबुल पांडे बना।
बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ट्रेलर लगा मुझे। फॉर मी द मूवी इज़ अ ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी। ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगा, ये मैं अभी यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ। सलमान खान अगेन रॉक्स, उसके ट्यूबलाइट मूवी के बाद, भरत मूवी के बाद किक, इतना घटिया मूवी था केक। भरत भी उतना अच्छा मूवी नहीं था, ट्यूबलाइट भी घटिया मूवी था, पर इस मूवी से वो फिर से कमबैक करने वाले हैं सलमान खान, और कमबैक करने वाले हैं बहुत ही बड़े स्केल में। तो ज़रूर देखिए ये मूवी जाके, क्योंकि ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, मूवी भी बहुत ही अच्छा होगा।